नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं बताऊंगा आपको कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियां क्यों आती हैं। शरीर में बीमारी आने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन का इंबैलेंस होना। जब शरीर के अंदर एसिड बढ़ेगा तो एसिडिक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, और शरीर के अंदर जब अल्कलाइन बढ़ता है तो अल्कलाइन की बीमारी आनी शुरू हो जाती हैं। हर बीमारी का एक नेचर होता है। कभी गूगल पर डाल के देखिए आप कि बीमारी का नेचर क्या है। हाई बीपी एक अपनी नेचर के हिसाब से होता है, डायबिटीज़ एक अलग नेचर के हिसाब से होता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम शरीर के अंदर कैसे एसिड और अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं, और ये चेक करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है। यानी कि आपकी बॉडी जो सिम्टम्स दे रही है वो एसिड के सिम्टम्स देती है या अल्कलाइन के सिम्टम्स देती है, और आपको जो भी समस्याएं हैं या तो वो एसिडिक होगी या अल्कलाइन होगी। आप गूगल पर डाल के देखिए सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस या सिम्टम्स ऑफ एल्कलोसिस, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में भी वही सिम्टम्स आ रहे हैं जो एसिड और अल्कलाइन में आने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम कैसे किसी की बॉडी का एसिड और अल्कलाइन चेक कैसे कर सकते हैं। आइए देखिए, जिसका भी हम एसिड और अल्कलाइन चेक करते हैं तो सबसे पहले आप उसको सामने खड़ा कर लीजिए, फिर दोनों हाथों को हाथों में लेकर ये रिंग फिंगर जो फोर्थ फिंगर है वो लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, अभी मैंने इनके राइट की फोर्थ रिंग फिंगर यानी कि ये वाली उंगली चौथी उंगली और लेफ्ट की चौथी उंगली इसके बीच वाले जॉइंट को यानी कि इस वाले जॉइंट को मैंने दोनों को पकड़ा है। इसके बाद में हल्का सा ट्विस्ट देना है, इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देकर ट्विस्ट करना है। प्रेशर दोनों में इक्वल होना चाहिए और ट्विस्टिंग भी एक जैसी होनी चाहिए, और पेशेंट से पूछना है यानी कि उससे सामने वाले से पूछना है उनको लेफ्ट में यानी कि इस उंगली में पेन ज़्यादा है या इस उंगली में पेन ज़्यादा है। अगर पेशेंट ये बोलता है कि आप उनको लेफ्ट फोर्थ फिंगर में पेन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी का एसिड बढ़ा हुआ है, और अगर राइट फोर्थ फिंगर में पेन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी का अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि हम और कैसे चेक करते हैं। इसके लिए आप पीछे खड़ा कर दीजिए इस तरीके से। ये हमारी दो किडनियों का एरिया है, ये चेक करने के लिए ये रिब्स का एरिया होता है। रिब्स का एरिया जहाँ ख़त्म होगा उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये मेरा हाथ गड्ढे के अंदर जा रहा है और ऐसे ही सेम इधर भी जाएगा। तो ये दोनों एरिया जो है वो किडनी का एरिया है। इसको भी हम चेक करेंगे कैसे, तीन उंगली को हम मिलाकर यहाँ पर रखेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से, और सेम प्रेशर से स्पाइन के दूसरी तरफ ये जो खाली एरिया है यहाँ चेक करेंगे। यानी कि सेम प्रेशर से यहाँ क्लॉकवाइज करना है आपने, और सेम प्रेशर से यहाँ क्लॉकवाइज करना है। फिर आपको मरीज से पूछना है कि उसको लेफ्ट में पेन ज़्यादा हुआ या राइट में पेन ज़्यादा हुआ, यानी कि उनको राइट वाली किडनी में पेन ज़्यादा है या लेफ्ट वाली किडनी में पेन ज़्यादा है। और ये 100% पेशेंट ये बताएगा या तो उनको राइट में पेन ज़्यादा होगा ऐसे करने पर या लेफ्ट में पेन ज़्यादा होगा। फिर आपको बताता हूँ कि अगर लेफ्ट में पेन ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, और अगर राइट में पेन ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि बॉडी का अल्कलाइन लेवल बढ़ा हुआ है। ये दो टेक्निक हो गई। एक टेक्निक और बताता हूँ आपको लंग्स से, क्योंकि भगवान ने दो लंग्स दिए हैं, हमारा राइट लंग्स हमारा लेफ्ट लंग्स। तो यहाँ से भी हम ये जो लंग्स का एरिया है ये वाला एरिया यहाँ से, और ये स्कैपुला है यानी कि ये शोल्डर ब्लेड है, स्कैपुला जहाँ पर इस एरिए में दोनों तरफ हम प्रेशर देंगे यहाँ पर, वो तीन उंगली मिलाकर यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए आप और यहाँ क्लॉकवाइज करिए। जब हम यहाँ क्लॉकवाइज करते हैं और सेम इतने ही प्रेशर से यहाँ करते हैं तो पेशेंट को एक तरफ पेन ज़्यादा होगा, या तो राइट की तरफ पेन ज़्यादा होगा या लेफ्ट की तरफ पेन ज़्यादा होगा। अगर पेशेंट ये कहता है कि राइट की पेन तरफ ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी का अल्कलाइन लेवल बढ़ा हुआ है, और लेफ्ट की तरफ पेन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि बॉडी का एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।